वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों के प्रश्नों का जवाब लेकर मैं हाजिर हूँ। आपके पास जो आपने जो सबसे ज्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछा था, आज 5 क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आज सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया मुझसे वह क्वेश्चन ये था, फायर सेफ्टी ऑफिसर दुबई में कितना कमाता है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था, क्या दुबई में फायर सेफ्टी ऑफिसर को जॉब मिलता है। यानी ये उन लोगों के द्वारा क्वेश्चन है जिन्हें आज भी ये डाउट बना हुआ है, आज भी उनके दिमाग में उनके जेहन में ये बैठा हुआ है कि फायर सेफ्टी ऑफिसर को दुबई में जॉब नहीं मिल सकता। तो बेशक तभी तो आपने ये क्वेश्चन किया, क्या दुबई में फायर सेफ्टी ऑफिसर को जॉब मिलता है। जी हाँ, फायर सेफ्टी ऑफिसर को जॉब भी मिलता है, एक अच्छी सैलरी भी मिलता है। इसी वीडियो में मैं सैलरी भी बताऊंगा। और पहली सैलरी जब SST इंस्टीट्यूट से पास आउट कैंडिडेट ने जो पहली सैलरी उठाई, मिनिमम सैलरी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, बताऊंगा कि वह कितना पैसा कमाता है। तो आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे कि फायर सेफ्टी ऑफिसर को बेशक दुबई में जॉब मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा आपने, फ्रेशर फायर सेफ्टी ऑफिसर को दुबई में जॉब मिलेगा। जी हाँ, ये भी तो डाउटफुल है। ये उन लोगों के तरफ से क्वेश्चन है जिनको खुद पे ही भरोसा नहीं, वे अपने आप पर भरोसा नहीं करते, वही तो ये क्वेश्चन करते हैं। जी हाँ, फ्रेशर फायर सेफ्टी ऑफिसर को दुबई में जॉब मिलता है, और एक नहीं हजारों की संख्या में SSTN आज पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। दुबई में काम कर रहे हैं, रियाद में काम कर रहे हैं, बहरीन में काम कर रहे हैं, सऊदीया में कर रहे हैं, अबू धाबी में काम कर रहे हैं, कुवैत में कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे फायर सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहे हैं, SSTN काम कर रहे हैं। अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है 1997 से अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग 34,000 से अधिक कैंडिडेट पास आउट हो चुके और पूरी दुनिया में बड़ी अच्छी सैलरी के साथ काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था, मैंने फायर सेफ्टी डिप्लोमा किया, क्या मुझे दुबई में जॉब मिलेगा। अब सर ये तो आप डिसाइड कर सकते हैं दुबई में जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जो SST इंस्टीट्यूट के पास आउट बच्चे हैं उन्हें जॉब जरूर मिलेगा और जॉब मिला भी है। उसकी सैलरी भी मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में सारी चीज आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक फायर सेफ्टी ऑफिसर एक साल में दुबई से कितना पैसा कमा लेता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। एक फायर सेफ्टी ऑफिसर एक साल में दुबई से कितना पैसा कमा लेता है, इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। 5 क्वेश्चन आपका ये जो था वो काफी इंपॉर्टेंट था। अब मैं आता हूं, फायर सेफ्टी ऑफिसर दुबई में कितना कमाता है। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूं और कितनी सैलरी मिली उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और ज्यादा पूछा गया मुझसे, अंग्रेजी कम आती है तो क्या दुबई में जॉब मिलेगा। सर जवाब है, बेशक आपको जॉब मिलेगा, आपको जॉब करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो, क्योंकि जीवन में हर जगह रिस्क है, बगैर रिस्क का तो ये लाइफ नहीं है, हर जगह रिस्क अवेलेबल है। तो ये जो आपने क्वेश्चन देखा, जो 5 क्वेश्चन थे आपके पास, क्या दुबई में फायर सेफ्टी ऑफिसर को जॉब मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। फ्रेशर फायर सेफ्टी ऑफिसर को दुबई में जॉब मिलेगा। जी हाँ, बेशक मिलेगा और मिल चुका है, लोग काम कर रहे हैं। मैंने फायर सेफ्टी में डिप्लोमा किया, क्या मुझे दुबई में जॉब मिलेगा। जी हाँ, जरूर मिलेगा। यदि आप SSTN है, SST इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट किया तो निश्चित रूप से आपको जॉब मिलेगा। एक फायर सेफ्टी ऑफिसर एक साल में दुबई से कितना पैसा कमा लेता है, इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताता हूँ। अंग्रेजी कम आती है तो क्या दुबई में जॉब मिलेगा, बेशक मिलेगा। सर आपको अपने ऊपर भरोसा रखनी चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे। दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपने पढ़ाई नहीं किया है, कहीं से सर्टिफिकेट मैनेज कर लिया है, सर्टिफिकेट बनवा लिया है, जगह जगह से हर जगह से आपको मिल जाएगा, लेकिन जब तक काउंसिल वेरीफाइड नहीं होगा और फिर जो उस देश में उसकी मान्यता नहीं होगी तो शायद शायद आपको नौकरी मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब आता हूं मेन क्वेश्चन जो था, जो सबसे ज्यादा पूछा गया था, फायर सेफ्टी ऑफिसर को दुबई में कितना पैसा मिलता है। तो अभी अभी हाल ही में, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किए थे, लेकिन अभी हाल ही में जो एक महीना पहले जो बच्चे गए हैं, जो SSTN थे, SST इंस्टीट्यूट से पास हुए थे और वो बिल्कुल फ्रेशर थे, फायर सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट पर गए, उनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने सुपर 100 एग्जाम पास किया और उनकी जो पहली सैलरी लगी वो 3,250 दिरहम की सैलरी लगी। कितनी लगी सर, ये रुपया नहीं है, आप ये मत सोचना कि हाँ 3,250 रुपए की सैलरी पर गया, ये रुपया नहीं है, ये UAED है, यानी ये दिरहम में है, वहां की करेंसी है।
अब बात कर लेते हैं कि 3,250 रुपए को अगर हम भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, बदल दें, तो आपको कितना मिलेगा? तो सर ये होता है 70,402 रुपए से अधिक, यानी पॉइंट समथिंग में आएगा। तो 70,402 आपका तो ये फिक्स हो गया, जो एग्रीमेंट में था, कॉन्ट्रैक्ट में था, ये सैलरी आपको शो हो रही थी। अब मैं बात कर लेता हूं, आपने पूछा था कि 12 महीने में कितना कमा लेता है, तो 12 महीने की अगर मैं बात करूं तो 12 महीने में 8,44,824 रुपए से अधिक की सैलरी एक फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर वह कमा लेता है। जी हाँ, अभी जो हाल ही के करंट का न्यूज मैं बता रहा हूं, जो एसएसटी इंस्टीट्यूट के बच्चे जो पास आउट होकर निकले और वह जो जॉब कर रहे हैं, वह जो जो उन्हें सैलरी जो मिल रही है उस सैलरी के आधार पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगर ओटी को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? तो लगभग आपको 11,50,000 रुपए की सैलरी आपकी हो जाती है एक फायर सेफ्टी ऑफिसर की। दुबई की बात कर रहा हूं, ये अब कुवैत की सैलरी और अधिक होगी, और इससे ज्यादा अगर आप जाएंगे अन्य देशों में तो फिर वहां की सैलरी थोड़ी सी वैरी भी कर सकती है, थोड़ी सैलरी कम भी हो सकती है और इससे अधिक भी हो सकती है। लेकिन जो मैंने आपको सैलरी शेयर किया 3,250, और वो भी एक एमएनसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, जो पूरी दुनिया में वह कंपनी काम करती है। तो आई होप के डियर स्टूडेंट्स आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अब तो अपने दिमाग से निकाल दो मेरे भाई कि वह फायर सेफ्टी ऑफिसर को जॉब मिलता है नहीं मिलता है। अब इससे ज्यादा एविडेंस और इससे ज्यादा प्रूफ तो मैं नहीं दे सकता, तो आपको जॉब जरूर मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, यदि आपको खुद पे भरोसा है और आप मेहनत करके और आपने पढ़ाई किया है। अगर आपने सर्टिफिकेट अरेंज किया है तो शायद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा और फिर आपको एक बार और कंसिडर करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।